अब हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आ चुके हैं, तो आप लोग भी आ जाइए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में। ये इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन वन क्या दे रखा हुआ है, गामा लिमिटेड हैज इन इशू 5 लाख रुपीज वन ऑर्डिनरी शेयर हुज करेंट एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस इज 1.50 पर शेयर। यहाँ पे एक्स डिविडेंड प्राइस, जब भी हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते थे तो वहां क्या लेते थे, प्राइस जो लेते थे हम लोग क्या लेते थे, तो यहाँ पे एक्स डिविडेंड प्राइस लिया जाता था, या प्रेफरेंस शेयर जब भी निकालते थे तो उस टाइम में भी हम लोग को एक्स डिविडेंड प्राइस लिया जाता, उस टाइम में भी हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड में एक्स डिविडेंड प्राइस लेते थे। ये हो गया द कंपनी हैज जस्ट पेड डिविडेंड ऑफ रूपी डिविडेंड ऑफ 27 पैसा पर शेयर। तो यहाँ पे 0.27 रुपीज डिविडेंड पे कर रहा है कंपनी, एंड डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू एट दिस लेवल फॉर सम टाइम। तो यहाँ पे हाँ डिविडेंड कंटिन्यू एट दिस लेवल फॉर सम टाइम। तो यहाँ पे क्या बोला, सबसे पहले कितना शेयर था, तो यहाँ पे शेयर दे रखा है 5 लाख का, उसके बाद 1 रुपी क्या है ऑर्डिनरी शेयर का वैल्यू है, बट एक्स डिविडेंड प्राइस, डिविडेंड देने के बाद इसका प्राइस कितना हो जा रहा है, तो 1.5 हो रहा है, 1.5 आ गया है, आ जा रहा है। उसके बाद डिविडेंड कितना कंपनी बांट रहा है, तो 0.27 रुपीज, बट यही जो लेवल 0.27 है वो कंटिन्यू होने वाला है फ्यूचर के लिए भी। आगे क्या बोला सम्स में, इफ कंपनी हैज नो डेब्ट कैपिटल, कंपनी के पास कुछ भी डेब्ट कैपिटल नहीं है, कंप्यूट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हम लोगों को क्या निकाला, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ये आ जाए कॉपी में आ जाए आप लोग। क्वेश्चन नंबर वन इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले एक्स डिविडेंड प्राइस 1.5 दे रखा हुआ है, फिर डिविडेंड कितना दे रखा है, तो डिविडेंड दे रखा हुआ है 0.27, डिविडेंड हो गया हम लोग का 0.27। अब हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए क्या होता था फॉर्मूला, डिविडेंड बाय प्राइस, डिविडेंड बाय प्राइस, अगर जब जिस टाइम में ग्रोथ नहीं होता था एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइड बाय प्राइस होता था। सम्स में डिविडेंड क्या बोला कि बाकी भी कंटिन्यू सेम ही लेवल का होने वाला है, तो इस तरह से एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना गया 0.27, एंड यहाँ पे इस टाइम में एक्स डिविडेंड कितना आ गया, एक्स डिविडेंड का प्राइस, एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस यहाँ पे एसपी लिख देते हैं, और 1.5 आ गया। इस तरह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आता है, तो 0.27 डिवाइड बाय 1.5, तो ये आ गया 18%। कितना परसेंट आ गया, 18% आ गया। अब सम्स में तो कोई डेब्ट भी नहीं है, सम्स में दे रखा हुआ है प्लस में, सबसे पहले डेब्ट भी नहीं था, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर भी नहीं है, तो इस केस में WACC क्या होगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, तो इस टाइम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू KE, और इज इक्वल टू कितना निकाले हम लोग 18%। और इसी के साथ ये सम्स हम लोग का कंप्लीट हो गया, ये छोटा सा सम्स था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं।